दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के आईटीसी को एडजस्ट करने के नए रूल्स के बारे में। एक्चुअली अभी जीएसटी में काफ़ी सारे अमेंडमेंट आई हैं, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो जो आपको जीएसटी का आईटीसी आपके पास होता है उसको जीएसटी के पेपर से कैसे एडजस्ट करना है उसको अब बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। उसको जो आईटीसी को एडजस्ट करने का जो तरीका है, जो रूल्स है, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अब उन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि पहले हम जो जीएसटी का आईटीसी था उसको कैसे एडजस्ट करते थे। सबसे पहले हम जैसे कि आईजीएसटी का जो पेबल्स है उसको आईजीएसटी के आईटीसी से एडजस्ट करते थे, सीजीएसटी के पेबल को सीजीएसटी के आईटीसी से एडजस्ट करते थे, और आईजीएसटी के पेबल को आईजीएसटी आईटीसी से एडजस्ट करते थे। अगर उसके बाद हमारे पास कोई तीनों में से किसी का भी बैलेंस बच जाता है, अगर एसजीएसटी का बैलेंस बच जाता है तो उसको आईजीएसटी से सिर्फ एडजस्ट कर सकते थे, अगर सीजीएसटी के आईटीसी का कोई बैलेंस बच जाता है तो उसको भी आईजीएसटी के आईटीसी से हम पेबल से एडजस्ट कर सकते थे, अगर आईजीएसटी का आईटीसी हमारे पास बच जाता है तो हम उसको एसजीएसटी या सीजीएसटी दोनों में से किसी को भी सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते थे। बट अभी गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है, क्या नया तरीका है, चलो देखते हैं। अभी उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले आपको जो आईजीएसटी का पेबल है उसको नेल करना है। अगर आपके पास सबसे पहले आईजीएसटी का जो पेबल है उसको आईजीएसटी के आईटीसी से आपको एडजस्ट करना है, उसके बाद अगर फिर भी आपके पास आईजीएसटी पेबल्स को आईजीएसटी आईटीसी से एडजस्ट करने के बाद अगर फिर भी आपको आईजीएसटी पेबल्स निकलता है तो उसको सीजीएसटी आईटीसी से एडजस्ट करना है, फिर भी अगर आपके पास आईजीएसटी पेबल का बैलेंस निकलता है तो फिर उसको आईजीएसटी आईटीसी से आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपको पहले आईजीएसटी पेबल को आईजीएसटी आईटीसी से एडजस्ट नहीं करना है, पहले आपको आईजीएसटी पेबल्स को नील करना है। अगर उसके बाद भी आपको आईजीएसटी नील हो जाता है फिर आपके पास जो भी बैलेंस बचता है सीजीएसटी आईटीसी का तो आपको सीजीएसटी पेबल्स के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, और एसजीएसटी का बैलेंस अगर आईटीसी का बच जाता है तो उसको एसजीएसटी पेबल्स के लिए उसे आप यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।